हेलो दोस्तों, मैं आया हूँ नेशनल वार मेमोरियल, इसको अमर ज्योति चौहान भी बोलते हैं। ये श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रधानमंत्री, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अशोक स्तंभ इसके ऊपर है, देख लीजिए आप। और यहाँ बहुत ही अच्छी शांति है। ये अमर ज्योति चौहान जो हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, उन्हीं के ऊपर बनाया गया है। और यहाँ बहुत अच्छी हरियाली है, चारों तरफ बहुत ही अच्छा वातावरण है, बहुत शांति है। और बहुत ही पर्यटक यहाँ आते हैं। ये भी इंडिया गेट के पास ही है। उसके बाद ये पहला अपना 1947 में 1971 के युद्ध में बनाया गया है। लोंगेवालों की लड़ाई 1900 भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चिम सेक्टर में निर्वाचन लोंगेवाले की लड़ाई का है। ये जहाज, ये पर, और ये है गंगानगर लड़ाई 1977 की। ये उनकी यादगार फोटो है, देख लीजिए आप। और आप भी आइए, यहाँ घूमिए अपनी फैमिली के साथ। ये इंडिया गेट में ही पड़ता है। बहुत ही अच्छी अच्छी पुरातत्व विभाग के द्वारा बनाई गई ये कलाकृतियाँ हैं, बहुत ही प्यारी देखने में ही। और ये सामने अमर जवान ज्योतिलिंग सत्यमेव जयते हो, वार मेमोरियल, नेशनल वार मेमोरियल के नाम से भी जानते हैं इनको। बहुत ही अच्छा स्थान है, आइए विद फैमिली। और उसके बाद ये है 1947-48 की भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भीषण युद्ध हुआ था, तो उसकी कुछ कलाकृतियाँ हैं यहाँ, देखिए आप, अच्छा लगेगा आपको। भैया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और चांदनी तेजू नैना कुछ नाराज हो रही है गर्मी के कारण लगता है ना। नैना नाराज हो क्यों, गर्मी लग रही है। और ये इनकी मम्मा हैप्पी शर्मा फैमिली, इंजॉय विद इंडिया गेट। अब देखिए आप सत्यमेव जयते हो, ये जो हमारे पुराने युद्ध लड़े गए थे तलवारों से, जो सत्य की जीत हुई थी वो बनाए गए हैं। उसके बाद ये देखो यहाँ की हरियाली, भाई वाह, बड़ी शांति है। बहुत पर्यटक लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। आइए अपनी फैमिली के साथ, कुछ तो टाइम दीजिए इंडिया गेट पे। और ये रेंजागाला की लड़ाई 1962 में जो हुई थी चीन और सीमा पर, भारत और चीन की जो लड़ाई हुई थी 1962 में, उसकी कुछ कलाकृतियां हैं यहाँ, देखिए आप ध्यान से। इनको याद करके आप अपने देश के जो जवान शहीद हुए थे रेंजागाला की लड़ाई 1962 में जो हुई थी, जो अपने जवान जो शहीद हुए थे, उनको आप यहाँ आके महसूस कीजिए, याद कीजिए, इससे उनकी आत्मा को शांति मिले, अच्छा लगे, आपका भी मन अच्छा करेगा। उसके बाद है ये ऑपरेशन मेघदूत, भारत उत्तर सीमा के साथ सियाचिन ग्लेशियर के अंदर ऊंचाई पर चले ऑपरेशन का है ये, 23 जुलाई 1987 में जो ऑपरेशन चलाया था भारतीय सेना ने, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। उसके बारे में बताया गया है कि कैसे -50 डिग्री के तापमान पर हमारे सैनिकों ने दुश्मनों से लोहा लिया और विजय हासिल की। अच्छा जी,
ये बता रही है हमारी मैडम, बर्फीला तूफान भी आया था उस टाइम, हमें तो पता ही नहीं था। अब आइए, इसके बाद अगली जंग ऑपरेशन ट्राई डेंज, जो कि 1971 में चला था। भारतीय सेना पोतो से कराची बंदरगाह पर अपना पहला मिसाइली हमला हुआ था, वो हुआ था 5 दिसंबर 1971, जब भारतीय सेना रात को 10:30 बजे कराची से माइक दर्शन की ओर आई और अधिकारी के रडार पर दुश्मन को आगे पोत के संकेत मिले और उसको नष्ट किया गया। ये सारा विवरण यहाँ है। और ये रहा वो पहला जहाज, आप देखिए, ये पहला वो जहाज है और इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन ट्राइड डेंज। देखा दोस्तों, कितना अच्छा अनुभव होता है यहाँ आके। हाँ, ये अपनी फैमिली के साथ इंडिया गेट में ही है ये नेशनल वार मेमोरियल। चांदनी, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, नेशनल वार मेमोरियल के बारे में जो आपने अभी पढ़ा? इधर मुंह करके बोलिए। हाँ, हमेशा ही सारे खड़े रहते हैं अटेंशन में बिल्कुल, और हाँ हमेशा खड़े रहते हैं ये। हाँ, ये जो वीर सैनिक है, चांदनी उसकी बात कर रही है, ये जो हमारे सैनिक है, ये हमेशा ऐसी मुद्रा में हमेशा खड़े रहते हैं यहाँ इस अमर ज्योति जवान के सामने। ये यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है जो बहुत कम लोगों को पता है। आगे बोलो। बिल्कुल सही बात है, ये हमेशा अपनी पोजीशन में ऐसे ही खड़े रहते हैं। ये हमारे देश के जवान हैं, इनको एक सलाम तो बनता है। तो चांदनी, आप अमर ज्योति सलाम को, अमर ज्योति जवान को सलाम करेंगी? देखा आपने, ये चांदनी है, तेजू को तो नींद आ रही है लगता है। ओहो ओहो, नैना ने भी जय हिंद कर दिया। चलो, अब सब ने जय हिंद कर दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।